हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज सेकंड भी स्टार्ट कर ली थी, और आई होप सो आप सभी ने ट्राई किए होंगे, क्वेश्चन आपको समझ भी आए होंगे। बच्चों ये जो क्वेश्चंस है क्लास ट्वेल्थ के अंदर करवाए हुए हैं, क्लास ट्वेल्थ के अंदर आपने किए भी होंगे, इसलिए बच्चों इन एक्सरसाइज पर आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। वैसे तो बच्चों सारे ही क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन क्लास ट्वेल्थ वाले जैसे ही हैं, ठीक है? तो आप खुद करके देखो, क्योंकि अपने न्यू टॉपिक जो होंगे ना बच्चों, उनके ऊपर ज्यादा अपने कंसेप्ट बेस वर्क करेंगे, ठीक है? तो फिर भी बच्चों मैं इसका आपको एक अदक और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो सेकंड बी का बच्चों, आप करके देखो, आपको कोई डाउट हो आपसे ना हो फिर बात अलग है। जैसे बच्चों इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, इससे प्रीवियस वाले आप करके देखना, ना हो तो मुझे बता दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, एक्स की क्यूब प्लस 3xy² डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y डी वाई इक्वल 0। ये बच्चों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की वही बात, खासियत देखो होमोजीनियस है ये। देखो ईच टाइम में टोटल पावर इक्वल बनेगी, प्रत्येक पद में कुल घात तो बच्चों सेम है। ये देखो 3 बन रही है, इधर भी x पे 1 है, y पे 2 है, तो 3 बन रही है। इधर भी 3 है, इधर 2 और 1 3 बन रही है। तो बच्चों ये एक तरीका है ढूंढने का तरीका है क्वेश्चन को बच्चों, अपने हमें पहचानना तो होगा क्वेश्चन पे। सभी पूरा पेपर होगा ना बच्चों, पूरे पेपर के ईच क्वेश्चन पर बस यही लिखा होगा, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको खुद को पहचान करनी है, इंपॉर्टेंट चीज बस पहचान है बच्चों, क्योंकि आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि अपने एक्सरसाइज आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन सभी पे हेडिंग एक ही दी होगी कि सोल्व, बस इतना लिखा होगा। बाकी क्वेश्चन की पहचान आपको सबसे ज्यादा कर, पहचान मेन मुद्दा है बच्चों, सोल्व करना मेन मुद्दा नहीं है। सोल्व तो करना इजी है। देखो पहले डी वाई वाई वाले स्टेप को इधर ही रख लो, वाई की क्यूब प्लस 3x² y डी वाई, इसके साथ पढ़ा रहने दो एक बार। स्टेप को उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये डी एक्स, डी एक्स को डी वाई के अपॉन में ले आओ, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये स्टेप पढ़ा रहने दो इधर। ये 3xy², अब ये वाई की क्यूब प्लस 3x² y, इसे इक्वेशन दे दो। इसको ध्यान से देखो तो ये बच्चों आप सोल्व कर सकते हो। क्या पुट करना होता है, कुछ टीचर बच्चों यहाँ से पहले एक्स वाई बाई एक्स बना लेते, ठीक है? तो एफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में ले आते हैं फंक्शन को, कुछ यहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। उनको पता तो होता ही है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों, होमोजीनियस फंक्शन है, तो वो डायरेक्ट वाई इक्वल वी एक्स पुट कर देते हैं। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, इतना तो कॉमन सेंस आ ही गया होगा अब तक। डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, वी एक्स में यू इंटू वी लगाएंगे तो बच्चों रटा रटा है, इसको याद कर लो भले, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा हमेशा, ये पुट कर देंगे। समझ आई बात? हाँ जी सर, समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रिप्लेस करो, पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो पुट कर दो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे जहां जहां आपको वाई दिख रहा है वहां वहां वी एक्स पुट कर दो बच्चों। तो एक्स की क्यूब एज इट इज प्लस 3xy की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो वाई का स्क्वायर है, तो ये बनेगा बच्चों v² x² अपॉन में, देखो क्या बन जाएगा, y की क्यूब है तो ये बन जाएगा v की क्यूब x की क्यूब प्लस 3x² y की जगह v x पुट करेंगे। x हमेशा कट जाता है बच्चों, याद रखना इन क्वेश्चंस के अंदर x हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा मोस्टली। इधर वाला सेम लिख दो, ऊपर से एक्स की क्यूब कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा एक्स की क्यूब, ये रहा x² × x एक्स की क्यूब, तो रह जाएगा 1 + v² सॉरी 3v² 3v² और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, अगर आप एक्स की क्यूब कॉमन लो तो सर डिनोमिनेटर में रह जाएगा सर v की क्यूब
वी की क्यू में वी भी कॉमन आ रहा है बच्चों, वी भी कॉमन ले लो या चलो बाद में ले लेना, क्योंकि अपने को एलसीएम भी तो लेना होगा, बाद में देखेंगे। वी की क्यूब प्लस 3 वी, एक्स की क्यूब कैंसिल कर दो बच्चों, मैंने कहा था ना एक्स कैंसिल हो जाता है। आइए इधर पढ़ा रहा मैं तो, एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये प्लस का वी दिला के माइनस का करो पहले, ये माइनस अंदर ले आओ, ये वाला माइनस अंदर ले आओ, -1 -3v2, क्योंकि बच्चों हमें एलसीएम लेना होगा ना, इसलिए मैं ये माइनस अंदर ले आया, ये प्लस का वी इधर आ गया माइनस का वी हो ही गया। अब एलसीएम लो, ये एक्स डी वी बाई डी एक्स एज इट इज, एलसीएम आ गया बच्चों वी की क्यूब प्लस 3v, ये -1 -3v2, माइनस वी को माइनस वी की क्यूब से करोगे माइनस वी की पावर 4 माइनस वी, और प्लस के 3v से करोगे तो माइनस का 3v2, समझे बात को? हाँ जी सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एलसीएम लो, ले लिए तो ऊपर वाली कैलकुलेशन करो, वी की क्यूब 3v एज इट इज, ऊपर की कैलकुलेशन बच्चों, ये -1 एज इट इज, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये +1 बन जाएगा, ये 3v2 3v2, ये बच्चों 6v2 बन जाएगा, ये v की पावर 4 प्लस में लिख दो इसको। अब v वाले एक तरफ कर लो सारे, dv के पास ले जाते हैं, dv के पास ले जाते हैं, इधर आके ये क्या बन जाएगा बच्चों, v की क्यूब प्लस 3v, और वो ये डिनोमिनेटर में ले आते हैं, v की पावर 4 प्लस 6v2 प्लस 1, और इधर इस माइनस को पड़ा रहने देते हैं, तो ये dx इधर ले आओ, अपॉन में क्या लिख दो x लिख दो। इसके बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड करो, ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे होगा, नीचे वाले को t पुट करोगे तो ऊपर वाला बन रहा है क्या? देख नीचे वाले को आपने t पुट किया तो बच्चों 4v की क्यूब बना, लेकिन ऊपर तो v की क्यूब है ठीक है, और इधर बना 6 × 2 = 12v, बच्चों बन बन तो जाता है लेकिन यहाँ पे v की क्यूब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, हमें इसे इसके पार्शियल करने पड़ेंगे, पार्शियल करने पड़ेंगे बच्चों, कोई इलाज ही नहीं है अपने पास, चलो देखते हैं करते हैं पार्शियल इसके, क्यों करने पड़ेंगे बच्चों पार्शियल, कोई जरूरी नहीं है, नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर वाला बन जाना चाहिए सारा के सारा, कर लेते हैं टी सर पुट, टी पुट करके सर ट्राई कर लेते हैं अपने, आ जाओ कीजिए टी पुट, वी की पावर 4 प्लस 6v2 प्लस 1 को बच्चों टी पुट कर देते हैं, तो इसका हो गया 4v की क्यूब प्लस ये 12v, 1 का 0 हो गया बच्चों, वी का dv इक्वल dt, 4 बच्चों कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, फिर ऊपर वाला बन जाएगा, 4 कॉमन लिया ये बन गया वी की क्यूब प्लस 3v, dv इक्वल dt, हमारे पास क्या है सिर्फ ऊपर सर, हमारे पास सिर्फ वी की क्यूब प्लस 3v है, हमारे पास सर सिर्फ वी की क्यूब प्लस 3v है, तो बच्चों यहाँ से वी की क्यूब प्लस 3v dv की वैल्यू निकाल लेते हैं, कि सर 4 को बस उधर ले जाओ, कांस्टेंट है वैसे ही पॉन में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों ये रिप्लेसमेंट दे देते हैं, वी की क्यूब प्लस 3v dv को कह देंगे dt/4, और ये बन जाएगा 1/t, ये हाँ जी सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा बच्चों dt, ये बाय 4 तो कांस्टेंट हो गया बाहर लिख दिया मैंने, और 1/t बन गया, इधर वाला बच्चों सेम चलने दो, क्या था इधर, इधर dx/x, dx अपॉन में x, ये माइनस बाहर, बस 1/t का बच्चों आपको पता ही है क्या है, हाँ जी सर पता है, 1/t का log t है, और इक्वल में 1/x का सर log x है, प्लस में c लिख देते हैं, 1/4 t की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, t की वैल्यू क्या थी सर, t की वैल्यू थी v की पावर 4 प्लस 6v2 प्लस 1,
वी की पावर 4 प्लस 6 वी स्क्वायर प्लस 1। अब जो वी को भी रिप्लेस करना है, वी क्या लेट किया था आपने कि सर हमने वी लेट किया था, वाई इक्वल सर हमने वी एक्स लेट किया था, तो वी यहां से आ गया वाई बाय एक्स। सही कह रहे हो बच्चों, तो जहां पे आपको वी दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दो, वाई बाय एक्स। तो ये वाई बाय एक्स की पावर 4 हो जाएगी, ये प्लस 6 वी की जगह वाई बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इक्वल माइनस में लॉग एक्स प्लस में सी। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया। इसके आगे कोई बच्चा करना चाहे तो करता रहे, एलसीएम उलसीएम वाला उसका इतना कोई औचित्य नहीं है, क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आओ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन करते हैं अच्छे। इसके बाद एक जैसे इसका बच्चों सेवंथ क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊं तो 6 7 एक जैसे है ऑलमोस्ट। सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों, एक्स की क्यूब डीवाई बाई डी एक्स इक्वल वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, इन स्क्वायर रूट है बच्चों वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो बच्चों मैंने आपको बताया था ईच स्टेप में टोटल पावर सेम होती है, वो बच्चों हल्की डेफिनेशन है वो, ठीक है, वो सिर्फ समझने के लिए होती है। जैसे अब आप कहोगे सर यहाँ पे ईच स्टेप में कहाँ पे है टोटल पावर सेम, बच्चों यहाँ 3 दिख रही है, यहाँ 3 दिख रही है, यहाँ पे वाई स्क्वायर तो दिख रहा है, एक पावर बच्चों ये है जो रूट से बाहर आ गई, सिंगल पावर बनेगी जो इसे मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगी, वाई क्यूब बन जाएगी, क्यूब क्या बन जाएगी, टोटल पावर 3 बन जाएगी। तो बच्चों ये समझने के लिए होती है कि हाँ भाई मिलता जुलता आ रहा है, अपने कह रहे हैं मिलता जुलता है तो अपने ये थोड़ी देखेंगे सेम ही होगा। तो यहाँ से फिर से बच्चों डीवाई बाय डी एक्स निकाल लिया करो आप, सबसे पहले ये एक्स के क्यूब से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एक्स क्यूब, डिवाइड बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब पहले वाई की क्यूब के फॉर्म में जाएगा, तो इसको आप ये लिख सकते हो वाई बाय एक्स की क्यूब, इधर वाई स्क्वायर के अपॉन में बच्चों रख लो वाई स्क्वायर, और ये कंप्लीट जो है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पूरे के अपॉन में रख लो एक्स की क्यूब, ऐसे। आई बात समझ, हाँ जी सर आगे कोई दिक्कत वाली बात, इक्वेशन 1 दे दो, वही प्रोसेस चलने दो, क्या प्रोसेस, पुट कर दो वाई इक्वल वी एक्स, पुट वाई इक्वल वी एक्स, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, इसे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो रिप्लेसमेंट दो इसको, कुछ कर दो इसको, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ वाई की जगह वी एक्स पुट करूंगा तो एक्स कर देगा बच्चों वी की क्यूब रह जाएगा ये, हाँ जी सर यहाँ वाई की जगह वी एक्स पुट कर देता हूँ, चलो एक बार शो कर देता हूँ आपके लिए, अंदर भी वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन में एक्स की क्यूब, इधर एक्स डी वी बाई डी एक्स ये वी की क्यूब बढ़ा रहने दो, प्लस ये वी स्क्वायर बच्चों ये एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन लो पहले, रिमेनिंग वी है वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में क्या है एक्स की क्यूब, ये प्लस का वी बच्चों इधर लाके मैंने माइनस का वी कर दिया। अब देखिए आगे क्या होगा, इसके बाद बच्चों ये जो एक्स डी वी बाई डी एक्स इसको पढ़ा रहने दो, इसको तो पढ़ा रहने दो, ये वी की क्यूब को पढ़ा रहने दो, इधर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आके बच्चों जस्ट एक्स हो जाएगा, ठीक है, और अंदर रह गया वी स्क्वायर माइनस वन रह गया, फोन में क्या गया एक्स की क्यूब, ये देखो ये एक्स की क्यूब कंप्लीट, इस एक्स की क्यूब से क्या हो गया कैंसिल हो, समझे बात को, हाँ जी सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात, ये माइनस वी बच्चों इधर पड़ा रहने, अब देखो क्या रह गया सर, एक्स डी वी बाई डी एक्स रह गया इधर, इधर सर पड़ा है वी की क्यूब प्लस वी स्क्वायर इन स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी। इसके बाद बच्चों देखो क्या होगा, इसके बाद बच्चों डी वी के अपॉन में ये सारा ले आते हैं, ये सारे डी वी के अपॉन में ले आते हैं, ये ना वी की क्यूब वी इसके पास लिख रहा हूँ, वी की क्यूब माइनस वी प्लस इन स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया डी वी के पास, इधर क्या रह गया बच्चों
इधर रहेगा डी एक्स अपॉन में एक्स, क्योंकि ये डी एक्स ऊपर आएगा, एक्स उसके अपॉन में आ जाए। आइए उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसके बाद बच्चों ये डी वी तो एज इट इज रखो, आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो अपॉन वाला इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। इधर से वी कॉमन ले लो बच्चों, रिमेनिंग वी है वी स्क्वायर माइनस वन, ये इन स्क्वायर रूट रह गया बच्चों वी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर से बच्चों दिमाग लगाओ, मेन गेम दिमाग का ही है, वी स्क्वायर माइनस वन कॉमन लो, वी स्क्वायर माइनस वन बच्चों कॉमन ले लो आप, और रिमेनिंग क्या रह गया वन प्लस, यहां से देखिएगा इधर वन रह गया बच्चों, इधर क्या रह गया वन रह गया। ठीक है, और सॉरी इधर वी रहेगा, वन क्यों रहेगा, वी रहेगा, वी बैठा है। और बच्चों ये जो है रूट वी स्क्वायर माइनस वन, यहां से मैंने वी स्क्वायर माइनस वन कॉमन लिया है तो वो इसके अपॉन में आएगा, वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस वन के अपॉन में आएगा, वी स्क्वायर माइनस वन तो क्या रह जाएगा बच्चों वन अपॉन में रूट वी स्क्वायर माइनस वन रह जाएगा, क्या रह जाएगा वन अपॉन में रूट वी स्क्वायर माइनस वन ये रह जाएगा। इधर सेम डी एक्स अपॉन में एक्स रह जाएगा, इसका ब्रैकेट क्लोज कर। अब देख अब बताओ आगे क्या करें कि सर, अब इसका अब बच्चों ध्यान से देखो, ये दो दो आइडेंटिटी है, इसको ध्यान से देखो, ये दो दो जने हैं, दो जने इन द सेंस कि ये दो जने मल्टीप्लाई में ये ऐसे है बच्चों, इसको ऐसे फील करो, डी वी अपॉन में एक तो ए है और एक बी है, डी वी अपॉन में ए इंटू बी है, ए इंटू बी। तो बच्चों एक तरीके से इसका किस फॉर्म में कन्वर्जन होगा, पार्शियल फॉर्म में, आंशिक भिन्न बनाने पड़ेंगे बच्चों में, क्या बनाने पड़ेंगे, आंशिक भिन्न बनाने पड़ेंगे, आंशिक भिन्न बनाने से बच्चों ये अपने पास ये स्प्लिट हो जाएगा, फिर अपने इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या है हार्ड है। समझे बात को, हाँ जी सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद देखो बच्चों क्या करेंगे अपने, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वी वी स्क्वायर बच्चों रह गया था, वो वी स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब देखो क्या करना है, पहले एलसीएम ले लो सर, फिर से एलसीएम, हाँ जी बच्चों एलसीएम, एलसीएम लेने से पहले बच्चों अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो वी स्क्वायर अगर आप कॉमन लो तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, मैं वी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, इसके पास तो वी स्क्वायर नहीं है तो इसके अपॉन में वी स्क्वायर आएगा, तो ये वन बाय वी बनेगा, वी स्क्वायर बच्चों मैंने कॉमन लिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है कि उसमें थोड़ा ध्यान से देखना, इधर वी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वन अपॉन में रूट वी स्क्वायर माइनस वन ही रहेगा, इधर वाला सेम चल रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से देख लो, ये कैलकुलेशन कुछ ज्यादा होती है, आपने ट्वेल्थ क्लास में थोड़ा कम की है इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये वी स्क्वायर मैं पहले लिख रहा हूँ, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर एलसीएम लो, वी रूट वी स्क्वायर माइनस वन एलसीएम आ जाएगा, ये रूट वी स्क्वायर माइनस वन ऊपर आएगा, प्लस में बच्चों ये वी आ जाएगा, ये वी इधर जाएगा कि हाँ जी सर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन करते जाओ, बस रुकना नहीं है। इस वी से बच्चों ये एक भी कैंसिल कर दो, और थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो रूट वी स्क्वायर माइनस वन है ये जब इसको काटेगा वी स्क्वायर माइनस वन को तो क्या बचेगा, इसे रूट वी स्क्वायर माइनस वन ही रह जाएगा, रूट वी स्क्वायर माइनस वन रह जाएगा, सही कह रहे हो बच्चों आप, रूट वी स्क्वायर माइनस वन रह जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट ये पूरा ये आता है, समझे बात को, हाँ जी सर समझ गए। अब ध्यान से देखिए डी वी अपॉन में क्या रह गया, ध्यान से देखना, ये वी स्क्वायर से वी कटा था तो एक भी तो रह गया, हाँ जी सर रह गया, और क्या रह गया साथ में, साथ में ये सर वी स्क्वायर माइनस वन रह गया रूट में रह गया बच्चों। अब ध्यान से देखना बच्चों ये क्या रहा है रूट के अंदर, कि ये भी सर रूट वी स्क्वायर माइनस वन रहा है और प्लस में वी है, एकदम सही कह रहे हो बच्चों आप। अब देखना ध्यान से, अब बच्चों ये डीवी तो पढ़ा रहा, डीवी तो पढ़ा रहा, अब क्या करेंगे, ये वी रूट वी स्क्वायर माइनस वन है इसको पढ़ा रहने दो, ये जो रूट वी स्क्वायर माइनस वन प्लस वी है, रूट वी स्क्वायर माइनस वन प्लस वी जो है बच्चों, इसका क्या करो, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, परिमेयकरण। तो आप क्या करोगे, रूट वी स्क्वायर माइनस वन प्लस वी, प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये माइनस, ठीक है, अपॉन में इधर भी क्या है रूट वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी,
इधर बच्चों ये सेम का सेम चलने का, थोड़ा ध्यान से देखते रहना। कैलकुलेशन है बाकी और कुछ भी नहीं है। डीवी ये पढ़ा रहे ना, तो सेम का सेम वी रूट वी स्क्वायर माइनस वन, इसकी कैलकुलेशन करो। ये बच्चों ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी, तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस वन, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी इस वी का स्क्वायर होगा तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला सेम पड़ा है, ऊपर वाला जो सेम पड़ा है उसको मैं बच्चों डीवी के आगे लिखूंगा, मल्टीप्लाई में है तो जहां मर्जी लिखे, तो डीवी के आगे लिख देते हैं। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी, और ये रहा डीवी, इधर डीएक्स अपॉन में है। ये बच्चों वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, ध्यान से देखते रहो, ये वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कट गया क्या। हाँ जी सर कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चों कैलकुलेशन में, थोड़ा और दिमाग लगाओ सर, लगा रहे हैं हम तो। ऊपर वी स्क्वायर माइनस वन पढ़ा रहने दो, ये माइनस वी भी पढ़ा रहने दो, अपॉन में क्या रह गया, ये माइनस दिख रहा है जो माइनस का वन, तो अपॉन में रह गया माइनस वी रूट में वी स्क्वायर माइनस वन, और ये बाहर वाला डीवी, ठीक है, और इधर क्या है डीएक्स अपॉन में एस। आइए नेक्स्ट, अब बच्चों क्या करो, इस वी स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस वन को इसके अपॉन में अलग कर दो, इसके अपॉन में अलग कर दो सर ऐसे। हाँ जी बच्चों ऐसे, इसके अपॉन में तो अलग करो, रूट वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में माइनस वी रूट वी स्क्वायर माइनस वन, और इसके अपॉन में अलग करेंगे तो ये बनेगा माइनस माइनस, ये प्लस बन जाएगा बच्चों, यानी सर प्लस तो बन जाएगा, और वी अपॉन में रूट में वी स्क्वायर माइनस वन, ये डीवी इधर डीएक्स अपॉन में एक्स। अब देखो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गए, ये रूट वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वी से बच्चों वी कैंसिल हो गया कि हाँ जी सर हो गया। सर अब क्या करें, देखते जाओ बस, ये तो रह गया माइनस के वन बाई वी, ये रह गया वन अपॉन में रूट में वी स्क्वायर माइनस वन, ये रह गया बच्चों डीवी, इधर रह गया डीएक्स अपॉन में एक्स। लो बच्चों पहुंचा दिया इसको अपने जगह में, अब कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको वन बाई वी का भी इंटीग्रेशन पता है, और वन अपॉन में रूट में ये बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, क्या बच्चों ये वन अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, याद है बच्चों क्या होता था इंटीग्रेशन, याद है क्या। हाँ जी सर थोड़ा थोड़ा याद तो है, लोग ऐसे करके होता था, लोग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता था सर। तो बच्चों ये अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये माइनस एज इट इज वन बाई बी का बच्चों लोग भी, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन कैलकुलेटिव है, क्या कर सकते हैं, है तो है कैलकुलेटिव है तो है, हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो हैं, कोई कुछ क्या कर सकता है। इधर लॉग एक्स प्लस में सी, वी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, वी की वैल्यू क्या थी, वाई इक्वल वी एक्स था, तो वी की वैल्यू हो जाती है बच्चों हर बार वाई बाय एक्स, ठीक है, क्या होती है हर बार वाई बाय एक्स हो जाती है, बस वो पुट कर दो और बस कंप्लीट हो गया। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ कि कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक दो बार अपने हाथ से निकाल लीजिएगा, फिर जाके बच्चों पता चलता है, मेन गेम यही है। लो यहाँ तक बच्चों ये कंप्लीट हो गया, थोड़ा लेंथी था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, ये सेवन नंबर था क्या, आइए क्वेश्चन नंबर सेवन था बच्चों, लगा देंगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रिकी, ट्रिक की लिख देता हूँ, प्लस क्या लिख देता हूँ लेंथ ही, ताकि आपको याद रहेगा ये, ठीक है, थोड़ा सा मार्क कर लिया करो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा, इसका जवाब है प्रैक्टिस, एक दो बार निकालोगे तो बच्चों हमेशा दिमाग के अंदर रहता है, तो कितना दिमाग में रखना है, हमेशा कौन कहता है हमेशा ही रखना है, एग्जाम तक तो लेके जाना ही है इसको, इसको बच्चों सही लिख लो थोड़ा माइनस को। हाँ जी, तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, थैंक यू।